भाजपा युवा मोर्चा महानगर विस्मिल नगर मंडल कार्य समिति की बैठक सोमवार को नौकायन स्थित रामगढ़ ताल में नाव पर संपन्न हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रसाद सिंह ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रसाद सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसा आयोजन पूरे प्रदेश में किसी भी क्षेत्र में नहीं किया गया, जो कि युवा मोर्चा महानगर द्वारा अनोखे तरीके से रामगढ़ ताल के बीच में स्वचलित नाव पर किया गया है। उन्होंने कहा यह पूरे देश का पहला कार्य समिति की बैठक है जो एक नाव पर आयोजित की गई है। उन्होंने सदस्यता अभियान पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता 20 युवाओं को जोड़कर राष्ट्रवादी विचारधारा का विस्तार करते हुए भाजपा से जोड़ने का कार्य करे। उन्होंने कहा मिशन 2022 विधानसभा चुनाव में युवाओं की अहम भूमिका है। इस अवसर पर युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष सत्यार्थ मिश्रा, बिस्मिल नगर मंडल के उपाध्यक्ष शिवम सिन्हा, मंडल महामंत्री अर्पित मिश्रा, क्षेत्रीय मंत्री अंबिकेश धर दुबे, रंजीत सिंह श्रीनेत, रिंकी चंद कौशिक, महानगर महामंत्री रजत गुप्ता, हर्ष श्रीवास्तव, कार्य समिति सदस्य आलोक आनंद, चंदन यादव, महानगर मीडिया प्रभारी राहुल शाहनी, रजत मणि त्रिपाठी, अनुप त्रिपाठी, शशांक मौर्य सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रसाद सिंह ने कहा युवा मोर्चा पुरुषार्थ सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा मोर्चा सत्यार्थ मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद, ए रोका ना गए रोका, युवा मोर्चा से युवा मोर्चा से रोका, युवा मोर्चा पुरुषार्थ सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। सब क्या है मैं जो भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं उनको माइक मिला है, बड़ा अच्छा वही लेना चाहता है, पोर्टेबल माइक आता है। हाँ वो हम लोग व्यवस्था किए थे, डिस्चार्ज हो गया। डायरी कहाँ है? डायरी एक लगाए इधर, चूंकि आने के लिए लंबा बैठक हुई है, किस संबंध में की गई है? आज भारतीय जनता युवा मोर्चा गोरखपुर महानगर बिस्मिल नगर की मंडल कार्य समिति की बैठक थी, जिसमें मंडल के सभी 21 पदाधिकारी उपस्थित रहे। अन्य युवा जो मंडल में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं आज इस बैठक में उपस्थित रहे। इस सुंदर सफल बैठक के लिए मैं सभी मंडल के कार्यकर्ताओं को, जिले की टीम को हार्दिक बधाई देता हूँ। मिशन 2022 को लेकर क्या तैयारी है? मिशन 2022 में पुनः उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, योगी जी पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। जो लगातार 5 सालों तक योगी जी ने विकास के कार्य किए हैं, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का विषय हो, चाहे महिला सुरक्षा का विषय हो, जितने भी मेडिकल कॉलेज का विषय हो, उस कामों को आगे बढ़ाने के लिए हमें पुनः 2022 में भाजपा की सरकार बनानी बहुत आवश्यक है। इसी विषय में युवा मोर्चा का कार्यकर्ता आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी जी के नेतृत्व में समर्पित संगठन के लिए प्रति समर्पित होकर कार्य कर रहा है। युवाओं का कितना योगदान रहेगा चुनाव? युवाओं का पूरा योगदान है। जैसा आप जानते हैं कि हमारे देश की आबादी का 65% जो हिस्सा है वो युवाओं का है, तो युवा अहम भूमिका निभाएंगे। और मुझे विश्वास है कि युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ है, योगी जी के साथ है, मोदी जी के साथ है।